वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता आरसीसी के कॉन्सेप्ट वन अपन ने क्लास ली थी, जो पिछली क्लास थी उसमें काफी वो कॉन्सेप्ट अपन ने किए थे। टीथ कोफिशिएंट्स रिलेटेड, स्लेंडरनेस लिमिट जो थी बीम की एंड कॉलम क्यूज रिलेटेड, और काफी कॉन्सेप्ट किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो इसमें होता क्या है अपना सिंपली से अपन कॉन्सेप्ट करते हैं, जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन चुके हैं या पर बनने के चांस रहेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट अपन करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में करते हैं, सभी कॉन्सेप्ट अपन एक साथ कवर करते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखो, साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट है उनके नोट सुनाते जाओगे, आरसीसी के सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अपन करते हैं। पहला करेक्टर स्टेक लोड एंड करेक्टर स्टेट स्ट्रेंथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका करेक्टर स्टेक्स जो लोड रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड रहता है, एंड करेक्टर स्ट्रेंथ जो रहती है वो किस पर बेस्ड रहता है। ध्यान रखना, जो करेक्टर स्टेट्स लोड और करेक्टर स्टेट्स जो स्ट्रेंथ आपकी रहती है वो बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड रहता है? बेस्ड ऑन स्टैटिकल एना लेसेस। क्लियर? करेक्टर स्टेट्स लोड और करेक्टर स्ट्रेंथ जो आपकी वेस्ट रहती है स्टैटिकल एनालिसिस पे होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे वेस्ट रहता है, ध्यान रखना स्टैटिकल एनालिसिस पे आपका ये वेस्ट रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड, इसके फॉर्मूले आते हैं और दोनों फॉर्मूले बड़ा कंफ्यूजन करते हैं आपको। क्लियर? दोनों ही फॉर्मूले आपको बड़ा ही कंफ्यूजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, करेक्टर स्टेट्स स्ट्रेंथ का। करेक्टर स्टेट स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला आपका है वो क्या है, मीन स्ट्रेंथ प्लस के एस। मीन स्ट्रेंथ प्लस के एस के क्या रहता है, कोफिशियंट रहता है। के क्या रहता है आपका, कोफिशियंट रहता है जिसकी वैल्यू रहती है 1.65। ध्यान रखना के कोफिशियंट है जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1.65 की वैल्यू रहती है। आगे मैं एस के बारे में बताऊंगा। एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ M20 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहता है, M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहता है, तो आप थोड़ा वेट करो, उसका भी मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा। ठीक है, आगे क्या है फॉर्मूला, करेक्टर स्टेट्स लोड का। करेक्टर स्टेट्स लोड का जो फॉर्मूला है, अब देखो दोनों फॉर्मूला को सेम है बट कंफ्यूज रह जाती है। अपन क्या एक को याद कर लेते हैं और पेपर में दूसरा पूछ जाता है, वहां पे अपन गलत क्वेश्चन यहां पे अपन टिक कर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने लिए नेगेटिव बात है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को क्लियर कर लेंगे। करेक्टर स्टेट्स जो लोड रहता है आपका, आपका रहता है मीन लोड। अच्छा सॉरी, यहां पर क्या थी, माइनस थी, तो यहां पर क्लियर कर लेना। जहां पर प्लस रहता है मीन लोड प्लस केएस। क्लियर? करेक्टर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो आपकी रहती है मीन स्ट्रेंथ माइनस केएस, और करेक्टर स्ट्रेंथ लोड रहता है आपका मीन लोड प्लस केएस। स्ट्रेंथ की कंडीशन में आपका क्या रहता है, मीन के बाद मीन स्ट्रेंथ के बाद आपका माइनस लगा रहता है, और करेक्टर स्ट्रेंथ लोड की कंडीशन में क्या रहता है, मीन लोड के बाद प्लस लगा रहता है। क्लियर? के क्या है, यहां पर कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू थी 1.65, एंड एस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, एस। क्लियर? इतना आप उतार लोगे, मैं एस की वैल्यू आपको लिखा देता हूं, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी गई, करीबन 2-3 बार तो मैंने ही देख लिया जो एग्जाम में एनालिसिस किए उसमें। क्लियर? मिटा दूं इसे। देखो वैल्यू देखते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि के एस के साथ लगा था, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? एक बार स्क्रीन चेक कर लेना, जिसे कि अपन एस से अपन डिनोट करते हैं। क्लियर? तो उसकी वैल्यू M15 के लिए क्या रहती है, M10 एंड M15 के लिए सेम रहती है, M20 एंड M25 के लिए सेम रहती है, थर्ड M30 एंड M35 के लिए वैल्यू आपकी सेम रहती है। स्टैंडर्ड डिविजन के लाने M30 M35 M40 एंड M45 एंड M50, जहां तक आपकी जो वैल्यू रहती है वो आपकी रहती है इसकी
सेम वैल्यू रहती है, क्लियर रहती कि नहीं वैल्यू, मैं आपको आपको बता देता हूँ। एम टेन एन एम फिफ्टीन के लिए कितनी रहती है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर। एम ट्वेंटी एन एम ट्वेंटी फाइव के लिए कितनी रहती है 4.0 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड एम थर्टी से एम फिफ्टी तक जो वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो कितनी रहती है, वो रहती है आपकी 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपकी वैल्यू रहती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो, काफी बार आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पढ़कर चलते हैं, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है आपका अगला कॉन्सेप्ट जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, जो फॉर्मूला बनता है मटेरियल के लिए अलग रहता है और लोड के लिए अलग रहता है, आपको कोई एक पता रहता है वही गलती आप जहां पर भी करते हो, आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होंगे जब तो अपन फॉर्मूले दोनों क्लियर कर लेते हैं, क्लियर जल्दी से देखो। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसके फॉर्मूले अलग अलग रहते हैं, किसके लिए अलग रहता है, मटेरियल के लिए अपन देखें फोर मटेरियल, इसे अपन वाईएम से नोट कर सकते हैं। मटेरियल क्या आने क्या रहता, मटेरियल के नाम आपका रहता कैरेक्टर स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन डिजाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्लियर। मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पर बोला था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन डिजाइन स्ट्रेंथ अपॉन मटेरियल, क्लियर। लेकिन देखो लोड के लिए जहीं पर जब डिफरेंट हो जाता है, लोड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, लोड के लिए जी फॉर्म रहता है डिजाइन लोड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब देखो मटेरियल की कंडीशन में जो फॉर्मूले में कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऊपर आई और डिजाइन वाली स्ट्रेंथ नीचे आई, बट लोड की कंडीशन देख रहे हो डिजाइन लोड ऊपर आता और कैरेक्टर स्ट्रेंथ लोड क्या रहता है नीचे आता, क्लियर। इसे अपन डिनोट करते हैं बाय एफ से, डिनोटेशन आप मुझे डिनोटेशन कभी पूछा नहीं है, बाकी आपका फॉर्मूला पूछा जाता है, दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों आगे चलते अपन अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, आप इसे उतार लोगे नोट कर लो अपने फेयरवेल, क्लियर। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लिमिटिंग केस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज 0.035 कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन स्टील। देखो अच्छा जनरल आपको अजेप्शन पता है, जनरल अजेप्शन इन आरसीसी बीम की बात कर ले, अपना आरसीसी सेक्शन की बात कर ले, तो जनरल अजेप्शन आपकी रहती है क्या रहती है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या रहती है 0.0035 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है अपनी, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है किसमें रहती है कंक्रीट में, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट स्ट्रेंथ इन कंक्रीट 0.0035 रहती है। इसी में देखो अगर एक्जियल लग के आया ना, एक्जियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट तो कितनी रहती है 0.002, ठीक है दोनों इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखना, जहां कंफ्यूजन होना, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि बोले कंक्रीट में, कंक्रीट में बोले तो कितना आएगा 0.0035 एंड एक्जियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोले किसमें कंक्रीट में तो 0.002 आपका आंसर आएगा। इसमें जहां पर अगर आपको पूछा जाए क्या स्टील में स्ट्रेंथ कितनी रहती है तो मिनिमम स्ट्रेंथ इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन, किसने से कम नहीं, मिनिमम स्ट्रेंथ इन स्टील कितनी रहती है, जी रहती है अपनी एफ बाय अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, क्लियर। मिनिमम स्ट्रेंथ इन स्टील रहती है बाय अपॉन 1.15 ES, ES यानी जे अपनी इलास्टिसिटी इन स्टील प्लस 0.002, क्लियर। अब जो 1.15 ऊपर चला जाएगा भाग देंगे तो जो वैल्यू आ जाती है 0.87 एफ बाय अपॉन ES प्लस 0.002, क्लियर। ये अपना
फॉर्मूला हुआ, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज आपकी याद कर सकते हो और नोट कर सकते हो। मुझे ज्यादा मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट आप बता दो 0.0035 एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ पूछेगा तो 0.002 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ में स्टील पूछ स्टील में पूछेगा स्ट्रेंथ मिनिमम तो एफ बाय अपॉन 1.15 ईएस प्लस 0.002 आपका आंसर हो जाएगा और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था अब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। अच्छा दो चीज और थी आपको बता दूं, एक रहता आपका न्यूट्रल एक्सेस, एक रहता क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस जैसे अपन एक्सिस डिनोट कर सकते हैं, एक रहता क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस जिसे अपन एक्सयू मैक्स डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? और ये क्या रहता है, एक रहता है स्ट्रेन इन कंप्रेसिव कंप्रेशन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। क्लियर? कंप्रेशन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट जैसे कि मैं कैसे डिनोट कर देता हूं, ई सी से डिनोट कर दूं, यहां पर ई सी से डिनोट कर दिया, ई सी यू से कर देता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एंड कंप्रेसिव सॉरी टेंथ स्ट्रेन इन स्टील, जो स्टील की स्ट्रेन उसे किससे डिनोट करता हूं ई एस यू से। क्लियर? स्ट्रेन की स्टील को किससे डिनोट कर देता हूं, ई एस यू से आप डिनोट कर देते हैं। अब इसमें क्या है इंपोर्टेंट चीज है जो कि सबको पता होगी, जनरली तीन प्रकार के सेक्शन रहते हैं, एक तो रहते हैं अंडर रन फोर्स सेक्शन। इसमें देखो न्यूट्रल एक्सेस की कंडीशन क्या रहेगा, जो एक्सयू है ना आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस जिसे अपन बोलते हैं वो आपका छोटा रहता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से, एक्सयू आपका छोटा है किससे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से। एंड स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन की बात करें तो उसमें जो है आपकी स्टील की स्ट्रेन जो है जल्दी एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट स्ट्रेन से पहले फुल स्ट्रेंथ सपोर्ट कर लेगी, यानी जो फुल कंडीशन की जो बीच कंडीशन रहती है वहां पर क्या स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्क्रीट से जल्दी पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी जो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम रह जाती है एज कंपेयर टू स्टील, यानी स्टील की स्ट्रेंथ जो अपनी हायर वैल्यू जल्दी बीच कर लेती है कंपेयर टू कॉन्क्रीट है। क्लियर? आपको क्लियर कंडीशन है? अगली अपन करते हैं वैलेंस कंडीशन, यानी बैलेंस रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? इसमें क्या रहता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यूज रहती है आपकी दोनों की क्या रहती है समान रहती है सेम वैल्यू रहती है, और जहां तक क्या सिमिलरली यानी दोनों एक साथ अपनी जो पीक वैल्यू है वो अटेन करती है, दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचती हैं, यानी जो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर किसके रहेगी स्टील के स्ट्रेंथ के बराबर है। क्लियर? एंड थर्ड जो अपना सेक्शन बनता है ओवररन फोर्स सेक्शन, ओवररन फोर्स सेक्शन। क्लियर? अब इसमें क्या रहता है जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ना वो बड़ा रहता है किससे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी एम यू एक्स से बड़ा रहता है। क्लियर? अब एक और क्या है इसमें क्या है जो आपकी जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ है ना एज कंपेयर किससे पहले पहुंच जाती है स्टील की से, तो जहां पे हो जाएगी कंडीशन आपकी ये वाली, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। क्लियर? क्लियर है जहां पर तक आपको? बिल्कुल नोट कर लो। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी तो आपको न्यूट्रल एक्सिस के फॉर्म में पूछ लेता, कभी आपको स्ट्रेंथ के फॉर्म में पूछ लेता, तो आपको आंसर आसानी से निकल आना चाहिए। क्लियर? यहां से एक फॉर एक चीज और बता देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस से जो रिलेट करता है आपका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उतार लिया मैं उठा रहा हूँ, आपने उतार लिया हुआ, ठीक है? या वीडियो को पोस्ट करके आप अपने फेयर में नोट कर सकते हो या फिर समझ सकते हो आसानी से। देखो अब क्या आपका अब है लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म को अपन एल ए बोल सकते हैं। लीवर आर्म क्या रहता है,
डी माइनस 0.42 एक्स यू। एलएसएम की बात करूं, एलएसएम में कह रहा था डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये किस में रहा था एलएसएम में। यदि आपसे डब्ल्यूएसएम की पूछी जाए तो डब्ल्यूएसएम में कितना रहेगा एल ए, वो रहेगा डी माइनस एन वाई थ्री, यह था अपना डब्ल्यूएसएम बल्किंग स्ट्रेस मेथड। कोई डाउट पूछा जाता है। अब क्या रहता है कंफ्यूज वाला क्वेश्चन रैंक पे भी क्रिएट होता है, बोलता है कैंडल एंड पुट सेक्शन में जो आपका न्यूट्रल वो सॉरी लिबराम है बिलन सेक्शन से ज्यादा या कम रहेगा। तो जैसे कि अपने पता रहता है अपन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के कंपेयर में अपन देखते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या छोटा रहता है इसमें अंडर एंड पुट सेक्शन में, तो अपन इसको भी छोटा हो जाते हैं जो भी अपना आंसर हो जाता गलत। तो ध्यान रखना लीवर आर्म की जो वैल्यू रहती है लीवर आर्म की जो वैल्यू रहेगी तो कैसे रहेगी ओवर रन पुट सेक्शन में किससे रहेगी कम रहेगी किससे वेलन सेक्शन से, और इससे भी कम किसके में रहेगी अंडर रन पुट में सेक्शन के, यानी इसमें उल्टा रहता है लीवर आर्म जो है सबसे कम रहता है ओवर रन पुट सेक्शन के लिए, उससे कम रहता है बैलेंस के लिए, सॉरी उससे ज्यादा रहता है बैलेंस के लिए, और सबसे ज्यादा जो रहता है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए। क्लियर। अब एक चीज और रहती है एक अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन और एक ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। फेल्यूअर पूछता आपको फेल्यूअर मतलब प्राइमरी फेल्यूअर अंडर एनफोर्स सेक्शन में प्राइमरी फेल्यूअर कौन सा रहता है, दो प्रकार के फेल्यूअर अपन यहां पे काउंट करते हैं, एक तो टेंशन फेल्यूअर एक कंप्रेशन फेल्यूअर। तो ध्यान रखना अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में टेंशन फेल्यूअर कौन सा टेंशन फेल्यूअर होता है और ओवर एंड पुट सेक्शन में कौन सा रहता है कंप्रेशन फेल्यूअर। वो कैसे रहता है जी मैं आपको बताता हूं, अंडर एंड पुट सेक्शन यानी कि जो रेनफोर्समेंट है ना तो रिक्वायरमेंट उससे थोड़ी कमी यूज की गई है। अब देखो जब कोई वैल्यू आप यूज करोगे तो वहां पे आपकी क्या हुई वो चीज आपकी क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना अंडर एंड पुट सेक्शन जो फेल होता है किसमें होता है टेंशन फेल्यूअर जनरेट होता है प्राइमरी वहां पर, और जो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है देखो जहां ओवर एनफोर्समेंट है ये रेनफोर्समेंट तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती तो रेनफोर्समेंट जो अपनी टेंशन प्रोवाइड करती तो वहां तो फेल हो नहीं सकता टेंशन में, जहां पर किसमें फेल हो जाता है कंप्रेशन फेल्यूअर, यानी इसमें कौन सा फेल्यूअर प्राइमरी आता है वो फेल्यूअर आता है वो कंप्रेशन फेल्यूअर आ जाता। ठीक है आगे चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। क्लियर। बिल्कुल अगला कॉन्सेप्ट आपका इन लिमिटिंग केस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज 0.035 कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन स्टील। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन बना आपने काफी बार देखा होगा जो कि पेपर लगाते रहते हैं पेपर देते रहते हैं। इन लिमिटिंग केस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट 0.035 corresponding strain in steel। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू यानी 0.035 पर वो पहुंच गई है तो उस कंडीशन में जो आपकी स्ट्रेन है ना जिसमें स्टील में जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ध्यान रखना तो उसकी वैल्यू अलग अलग रहती है फॉर सिंगली बीम के लिए और फॉर डब्ल्यू बीम और सिंगली बीम तो आप जानते ही होंगे। सिंगली बीम यानी ओनली टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यू बीम जिसमें अपन टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है तो आप सिंगली के लिए जो फॉर्मूला आपका वो नोट करोगे डी माइनस एक्स यू अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035। 0.0035 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका कितना रहेगा 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035। क्लियर। देखा डब्ल्यू सिंगल बीम में जो डी है ना इफेक्ट डेप्थ है
और ये यहाँ पे इफेक्टिव कवर है, यहाँ पर ये टी डैश लगाना ये आपका इफेक्टिव कवर है। तो नोट कर लो चाहो तो डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है और डी डैश क्या इफेक्टिव कवर है, जो कि डब्ल्यू एन फोर सीमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको काफी बार एग्जाम में आपके में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप एक बार और रिविजन कर लेना इन फॉर्मूले का। बहुत ही देखो सिंगली बीम के लिए कितना रहता है, सिंगली बीम के लिए मैं देखूं तो अपना रहेगा एक्स यू माइनस डी अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035 और डब्ल्यू के लिए क्या रहेगा 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035 आपकी वैल्यू देख सकते हो। सॉरी यहाँ पे आपका जो रहता है डी माइनस एक्स यू रहता है, क्योंकि डी की वैल्यू एक्स यू से ज्यादा रहती है, जहां पर नोट कर लेना डी माइनस एक्स यू आपका रहता है, ठीक है। इसको इंपोर्टेंटली नोट कर लेना। अगले कॉन्सेप्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, चलो देखो डेवलपमेंटल लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इसका आपको फॉर्मूला मुझे आता है तो आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ एल डी बराबर क्या रहता है 0.87 एफ बाय इंटू डाया अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी क्या रहता है परमिशनल बॉन्ड डिस्टेंस, आपकी परमिशनल बॉन्ड डिस्टेंस रहती है, ये किसमें रहता है एल एस एम में। डब्ल्यू एस एम की बात करें तो एल डी बराबर क्या रहेगा सिग्मा एस सी इंटू डाया अपॉन 4 इंटू टाउ वी डी, क्लियर जी रहता अपना डब्ल्यू एस एम में। तो पेपर में आपको जो वाला फॉर्मूला जहाँ दिया जाता है तो आंसर जो वाला टिक कर दो, एल एस एम में पूछा जाए तो आप जो वाला टिक कर दो में से एक ऑप्शन होगा या फिर एल एस एम या डब्ल्यू एस एम आपको क्लियरली नोट किया जाएगा, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट और है अपना, उसे कवर कर लेते अपन। देखो डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, आरसीसी बीम में जो डिफ्लेक्शन रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। कैसे आता है फाइनल डिफ्लेक्शन फॉर एक बीम है, उसमें पूछा जाएगा आपको फाइनल डिफ्लेक्शन दो प्रकार के रहते हैं, कैसे रहते हैं ध्यान रखना। एट कास्ट लेवल, एट कास्ट लेवल, कास्ट लेवल पर आपको डिफ्लेक्शन पूछे कहां भी बड़ा सेंटर दिया रहेगा आपको फालतू चीज नहीं देखना, आप देख लो उसमें डिफ्लेक्शन किससे पूछा है। एट कास्ट लेवल पूछे तो कितना हो जाएगा स्पान अपॉन, यानी कि जो आपका डिफ्लेक्शन है शुड नॉट ग्रेटर देन स्पान अपॉन 250, स्पान अपॉन 250। यदि आपका जो डिफ्लेक्शन है ना कहां से पूछे आपसे पूछे फोर पार्टीशन और पार्टीशन एंड फिनिश्ड, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है शुड नॉट ग्रेटर देन स्पान अपॉन 300 और 2 mm विच इज लेस, यानी इनमें से जो भी कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉर कास्ट लेवल के लिए पूछे तो डिफ्लेक्शन आपका स्पान अपॉन 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पोर्शन के लिए पूछे तो आपका जो डिफ्लेक्शन है स्पान अपॉन 300 और 20 mm से जो कम वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले जो अपने वो कॉन्सेप्ट है अपन अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को कम नहीं हो तो, ठीक है, थैंक यू।